नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी SSSC द्वारा वर्ष 2022 की तीसरी परीक्षा यानी कि प्रवर, अवर, सहायक और खाद्य एवं रसद विभाग में जो पूर्व निरीक्षक है, इसके लिए कुल 76 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग देखेंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन फॉर्म भर सकते हैं, कितने एज तक फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस पैटर्न हो सकता है, हालांकि जारी नहीं किया है, लेकिन कैसी तैयारी करनी है, क्या किताबें हो सकती हैं, क्या कोचिंग हो सकती हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पे एक बार जिक्र करेंगे। तो एक कंप्लीट जानकारी के साथ ये सेशन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शुरुआत में एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि जो आपकी अन्य जो PET की परीक्षा है वो सितंबर में आयोजित की जानी है, जिसके लिए टीम के द्वारा बहुत ही मिनिमम फीस में कोर्स संचालित कर दिया गया है। और वीडियो का तो जो कोर्स है वो चल ही रहा है, आप देख सकते हैं PET का 2000 का कोर्स अभी केवल 399 में मिल रहा है। ठीक ऐसे जो वीडियो री एग्जाम है उसका भी 399 मिल रहा है। तो अगर आप ये बैच से जुड़ना चाहते हैं तो परीक्षा प्लस ऐप पे जाके जुड़ सकते हैं। हालांकि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो आयोजित की गई है परीक्षा की जानी है 29 जून जो डिसाइड की गई है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपका जो नई विज्ञप्ति है, तीन परीक्षा 2022 मतलब 2022 की तीसरी परीक्षा है। इसका आवेदन 22 अप्रैल से होगा और इसका जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो 12/5 है। आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 19/5 है, यानी 19 मई तक होगा। और मई के बाद फिर आपका 29 जून में ही आपकी परीक्षा भी करवा लेगा, तो समय बहुत कम मिल रहा है। हालांकि इसमें कुल 76 पद हैं, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि इसमें जो पद हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत हाई रैंक के हैं, बहुत अच्छी सैलरी का है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 29 जून को आपका क्या है पेपर है, ये आप ध्यान में रखते चलो। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ये आपके सामने जो है आप इसे देख सकते हो। कुल 76 पद हैं, जिसमें से जो अवर वर्ग है उसमें 11 पद हैं, जो प्रवर वर्ग है उसमें 20 पद हैं, प्रवर में 11 पद हैं, अवर में 20 पद हैं, और जो आपका ये नियंत्रणाधीन जो पूर्व निरीक्षक का है इसमें 45 पद हैं। कुल 76 पद इसमें होंगे और इसकी जो परीक्षा होगी वो PET के द्वारा जो स्कोर आपके हैं उसके आधार पर बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। हालांकि फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, जैसे लेखपाल में फॉर्म भरे थे, सिमिलरली इसमें भी सारे के सारे बच्चे जो PET में PET का स्कोर कार्ड जिनके पास है वो सबके सभी लोग ₹25 में फॉर्म भर सकते हैं। तीन पद है, तीनों पद को वरीयता देनी होगी कि कौन से पद कैसे हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो पद हैं इनकी जो सैलरी है वो आप देख लो, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे बढ़े। कई बार क्या होता है, पद कम होता है लेकिन सैलरी इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो हमें मजबूरन फॉर्म भरवा देती है। तो वेतन बैंड जो है, वेतन मान ग्रेड पे जो है लेवल 6 के आधार पे, ये जो आपका प्रवर वर्ग सहायक का है ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में ही यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। और इनका मेन जो वर्ग प्रोफाइल है वो ये है, आप समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे अभी जो परिणाम रुके हुए हैं, बहुत सारे अधीनस्थ में कहीं ना कहीं उनके खुद के ही ऑफिस में ही UPSSC के ऑफिस में ही ऑफिसियल्स की कमी है, तो उन कमी को पूरा करने के लिए ये पद निकाले गए हैं। जो आपके प्रवर वर्ग में 11 पद हैं और अवर्ग जो सहायक वर्ग हैं उसमें 20 पद हैं, ये आप देख सकते हो। और इसकी सैलरी जो है वो 35,400 बैंड से लेके 112,400 बैंड तक है लेवल 6 के अंतर्गत। आयु जो है वो 21 से 40 है और अनारक्षित के 4 पद हैं, अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, जनजाति का कोई भी पद नहीं है अनुसूचित, और अन्य पिछड़ा वर्ग का 4 है, आर्थिक यानी EWS का जो है वो 1 पद है, कुल 11 पद हैं। ऐसे ही जो अवर वर्ग हैं उनमें भी सेम 21 से 40 है, इनकी सैलरी 29,000 से लेकर 52,300 के पे बैंड पे है लेवल 5 के आधार पे। अनारक्षित के 8 पद हैं, अनुसूचित जाति के 4 हैं, अनुसूचित जनजाति का कोई भी पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 6 पद है और EWS के 2 पद हैं, टोटल 20 पद हैं। तीसरा है खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश और पूर्व निरीक्षक की बात की जा रही है, इनका जो पे बैंड है 9,300 से लेकर 34,800, ठीक है, और 4,200 वेतन मैट्रिक लेवल 6 के आधार पे। तो 21 से 40 वर्ष इसका भी है, 33 अनारक्षित है, कुल 45 पद हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अपने अपने कैटेगरी का यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये स्थाई अस्थाई दोनों पद हैं, हालांकि स्थाई होते हैं ऐसा आप समझते हुए चलिएगा। इनके पद घट बढ़ भी सकते हैं जैसा कि सारे उसमें लिखा होता है, लेकिन कभी घटते बढ़ते है नहीं, ये केवल एकमात्र बोल सा दिया जाता है, अपनी फॉर्मेलिटी कर दिया जाता है। आरक्षण जैसे सारी परीक्षाओं में होते हैं सिमिलरली इसमें भी है, कुछ इसमें अलग नहीं है।
दूसरी बात जो आपके लिए सबसे ज्यादा जानने वाली बात होती है कि इसमें पूछा क्या जाएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि एक तो ये पीईटी के स्कोर कार्ड पे आधारित होगा, सर्वप्रथम उसमें सारे बच्चे भरेंगे, फिर एक स्कोर के आधार पे, परसेंटाइल के आधार पे नहीं, स्कोर के आधार पे एक स्कोर निर्धारित कर देंगे कि 85 नंबर पाने वाला, 80 नंबर पाने वाला, ऐसे स्कोर जनरेट करेंगे और उसमें बच्चे आवेदन करेंगे। और अगर इसमें बच्चे पद के सापेक्ष ज्यादा आ जाते हैं तो ज्यादा संख्या में ये क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटाइल पे बुलाते तब तो उन्हें पता ही होता कि आखिर कितने बच्चों को बुलाना है, लेकिन ये स्कोर पे बुला रहे हैं ना कि परसेंटाइल पे बुला रहे हैं, तो स्कोर पे बुलाने पे हो जाता है कि बच्चों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। उस आधार पे ये जो परीक्षा होगी हो सकता है कई पालियों में होगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन के भी प्रावधान रखे जाएंगे जो इन्होंने पॉइंट किसी पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है। ये जब आप संपूर्ण नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें पता भी चल जाएगा। ये देख लेते हैं कि जो शैक्षिक अर्हता है वो प्रवर वर्ग के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन आपके लिए चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का सेवा किया हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र होगा तो उसे अधिमानी अर्हता, मतलब कि एक अलग से भी उसे क्या दिया जाता है, अर्हता दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, ये बात समझते हुए चलिएगा। अवर वर्ग सहायक के लिए क्या है, इसमें भी आपके ग्रेजुएशन ही है, और जो इसका अभी अलग है सिलेबस और पैटर्न नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे लोअर की परीक्षा का मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न था, सिलेबस था, सिमिलरली इसका भी आने वाला है, ये बात आप दिमाग में रख के चलेगा। हालांकि वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही है वो यही है, तो आपकी तैयारी भी वैसे होनी चाहिए। और खाद्य तथा रसद विभाग, इन तीनों के एक ही पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, अलग अलग पेपर नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे, आपको एक ही फॉर्म भरना है और एक ही फॉर्म में अलग अलग प्रायोरिटी बेस पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है कि नंबर एक पे क्या देना चाह रहे हो, नंबर दो पे क्या देना चाह रहे हो, नंबर तीन पे क्या देना चाह रहे हो। जैसे आप अगर अधीनस्थ में ही वहाँ पे ऑफिस में बैठ के जॉब करना चाह रहे हैं, अच्छी सैलरी भी है, तो आप नंबर एक इसे दीजिए प्रायोरिटी पे, नंबर दो आप अवर वर्ग को दीजिए सहायक में यूपी ट्रिपल एससी में ही, और यहाँ पे खाद्य तथा रसद विभाग ये अलग अलग जोन पे भी हो सकता है, इसको आप नंबर तीन दीजिए फॉर्म भरते समय। ये जब आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए डिटेल आपको दे देंगे। तीनों की एलिजिबिलिटी सेम है, पेपर सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भी सेम है, अलग अलग आपको फीस भी नहीं सबमिट करनी है, अभी केवल 25 रुपये सबमिट करना है। उसके बाद जब आपका जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे उनसे अलग से करीबन 160 रुपये फिर से भराया जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का टोटल फीस 185 होता है। आयु सीमा के बारे में बता दिया, बाकी जो आरक्षण होते हैं वो विभिन्न आरक्षण जैसे पूर्व परीक्षाओं में कराए गए हैं वैसे ही आरक्षण आपको मिला जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चयन का आधार लिखित परीक्षा है और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आपको वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। तो इतनी जानकारी इसके लिए है। 76 पद कम नहीं होते हैं, आपने देखा होगा लोअर में 600 समथिंग पद थे, बाकी समय कभी किसी में 200 पद होते हैं, किसी में कुछ पद होते हैं, तो पद कम नहीं है। हालांकि 76 पद बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन आप ऐसे देखो राज्य स्तर पर और उस चीज़ को देखो, परसेंटाइल बेसिस पे देखो तो पद ठीक हैं, 76 हैं। और हम कह रहे हैं कि अगर 5 पद हो, 6 पद हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहले से हार जाओगे, आप फॉर्म नहीं भरोगे, फॉर्म भरो, तैयारी करो, बाकी सारी चीज़ें साथ में चल रही है। आपकी लेखपाल की परीक्षा भी साथ में लगी हुई है, वो आपकी 19 जून को ही हो जानी है, 10 दिन पहले ही हो जानी है। उसके बाद आपका वीडियो एग्जाम भी सितंबर अक्टूबर में हो जाना है, बस एक आपका वहाँ पे कोर्ट के द्वारा उनको परमिशन मिलनी है, बस इतना आप समझते हैं, लेकिन वो होना है। 99.99% आपका सितंबर अक्टूबर में वीडियो एग्जाम भी हो जाएगा, और उससे ज़्यादा जरूरी सितंबर में ही आपकी दूसरी पीटी, और पीटी के बाद आपको एक अच्छा मौका, जो आपके अन्य परीक्षाएं हैं जैसे आपका स्टेनो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, इनमें एक मौका मिल जाएगा कि ये दूसरे पीटी के आधार पे, अगर यहाँ पे आपका स्कोर कम रह गया है तो आप स्कोर बढ़ा सकते हो पीटी के आधार पे और वहाँ पे कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए। अधनस जग चुका है तो आप भी जग जाइए। देखिए, जो बहाने मारते हैं, जिन्हें इधर उधर की बातें करनी होती है वो तो करेंगे, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट जो सीरियस कैंडिडेट है और जो हमेशा सिलेक्शन लेते रहते हैं वो जरूर जग जाएं और अपनी तैयारी शुरुआत कर दें। टीम परीक्षा प्लस आपके साथ तन मन धन के साथ है। लेखपाल के लिए हम लोग निःशुल्क क्रैश कोर्स भी निकालेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रामबाण भी देंगे। अंतिम समय में इतना जबरदस्त कंटेंट जैसे कि हमने पीटी में दिया, अन्य परीक्षाओं में दिया, सिमिलरली लेखपाल के लिए भी देंगे, जो आपके लिए पूर्णता निःशुल्क होगा। लेकिन पीटी का बैच मिनिमम प्राइस में आपके लिए चलाएंगे, वीडियो का मिनिमम प्राइस में आपके लिए चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और परीक्षा प्लस ऐप आपके फोन में जरूर इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि आपको समय समय पर तमाम जानकारियां मिलती रही। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।